वेलकम टू माय चैनल्स अनार्नियरलेंस। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 5 में व्यंजनों को मिलाना पड़ा था, तो अभी हम लोग आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें प्रैक्टिस भी किया होगा। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ हल्का सा। ये देख लीजिए, इस तरीके से सा क ब ग घ ल तर पक टट बट मक लर इस तरह से बनाया गया था, ऊपर नीचे कैसे हम लोगों ने बनाया था। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज हम लोग इसके आगे कुछ पढ़ेंगे कि जो हम लोगों के जो अक्षर बना रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे नीचे ऊपर कैसे बनाना होता है, तो उसको हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसी का पार्ट है 2, व्यंजनों को मिलाना। तो देखिए अभी क्या है कि जैसे दो व्यंजन हैं, जैसे मिलाते हैं उनको हम लोग, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सक मक पक लर ऐसे करके। तो अभी क्या है, जब दो व्यंजन को मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा जरूरी है कि जो 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 भी अक्षर है, जो ऊपर वाला है, जो नीचे जाने वाला है, वो अक्षर की कॉपी पर लिखा होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, ऊपर जाने वाला हो या नीचे जाने वाला हो, तो वो अक्षर जो है उस लाइन पर ही होना चाहिए। जैसे हमारा अभी हम लोग टप लिखना चाहते हैं, ट और प, ठीक है। तो अभी ट और प को लिखने के लिए, ट हमारा ट वर्ग में आता है, ये ट और प, ठीक है। हम लोग लाइन पे आने के बाद जो ऊपर है, जो नीचे है वो ऊपर ऐसे नहीं, जो ऊपर जा रहा है जो ऊपर जाएगा, जो नीचे है वो नीचे जाएगा। अभी हमारा एक पहला अक्षर बना टप, अभी दूसरा हम लोग को बनाना है जैसे च और ग। तो च वर्ग जो है हमारा ऊपर से आए, च और ग। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मुझे हम जो है इस पेंसिल का ही यूज़ कर रहे हैं। अभी हम पेन का यूज़ करेंगे तो मैं डार्क और लाइट में इसका डिफरेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, जो कि तरीका जो यही है, हम लोग पेंसिल से ही लिखना है। आने वाले समय में भी हम लोग को पेंसिल का ही यूज़ करना है, तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को, बारीकियों को समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इस टाइम लिखने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग को लिखना है फ और ट, अब फट फ और ट ये किस वर्ग में आता है, प और फा, प वर्ग में आता है। तो ये देखिए हम लोगों ने प फा लिखा और ये टा लिखा, इसको कट कर दिया फ ट। अभी क्या है, द और ड, द वर्ग है, द ड, ठीक है। देखिए डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा, देखिए ये डार्क है ये लाइट है, तो इस तरीके से अभी समझ में आएगा। अभी हमारा जैसे है तन, तो अभी क्या है ये ता वर्ग, इसको लाइट किया और क्या है ना, देखिए ठीक है। जो लाइन पर है, जो ऊपर बनना है वो ऊपर लाइन बनेगा, जो नीचे बन रहा है वो नीचे लाइन बनेगा। इसी तरह अभी हम लोग दूसरा आगे देखते हैं। अब जैसे का वर्ग के अक्षर होते हैं और मा ना अंगा, इसे ऊपर या नीचे आने वाला अक्षर नहीं है, ठीक है। मा ना और अंगा जो है वो नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, बल्कि आड़े अक्षर होते हैं। ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से ऐसे ना अड़ा ऐसे करके आता है, इसीलिए ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले जो अक्षर होते हैं वो रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। समझ में आया, ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद जो नीचे आने वाले अक्षर होते हैं ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। अभी जैसे दूसरा टाइप पढ़ लीजिएगा, जैसे हम लोगों का ग द, अभी क्या है गा बा, गा बा, इस तरह से बनाया, ये गलत है। कैसे बनाना है, क्योंकि बा हम लोग जब बनाते हैं तो लाइन पे होना चाहिए ना, गा बा ये है, ठीक है। इसी तरह हमारा न प, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ये अक्षर जैसे मा ना अंगा होते हैं, ये नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं बल्कि आड़े अक्षर होते हैं ये, इसीलिए ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ना अ प, ठीक है, ये इसी तरीके से हमारा क ट, तो कैसे बनेगा क ट कट, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे का के जो अक्षर हैं, अभी जब उन्होंने पढ़ा ऊपर मा ना अंगा के बाद ऊपर आने वाले जितने भी अक्षर आवे
वे हमेशा अक्षर कॉपी की रेखा पर से आरंभ होते हैं, ठीक है। का वर्ग के अक्षर मा ना अंगा के बाद ऊपर आने वाले अक्षर आए तो ये अक्षर कॉपी के रेखा पर से आरंभ होते हैं, ठीक। तो अभी क्या है, जैसे हम लोगों को लिखना है कल, कल, तो अभी क्या है, इस कल को का ला, ठीक, का है लाइन पर, ला ऊपर बनाया। अभी हमें बनाना है कव, ये का बनाया, ये बनाया वा, ठीक है। इसी तरह हमारा ना व, ये बनाया ना, इधर से ऐसे खींच के ये बनाया वा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टाइप। अब हम लोग इसके आगे भी एक टाइप है, अब जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा, एक नया टाइप है। अब जैसे ये जो अभी आ रहा था म ना अंगा, ये सब आ रहे थे अक्षर, तो इनके बाद जैसे आने वाले अक्षर ऊपर या ऊपर आए या नीचे आए, ये अक्षर नहीं आते हैं अगर, बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं, समझ आया। जैसे अभी का वर्ग ये सब ना, चा वर्ग ये सब ना आए, अगर इनके अलावा कोई आड़े या टेढ़े तिरछे अक्षर आते हैं तो वो भी अक्षर रेखा पर से ही आरंभ होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं मन, तो हम लोग लाइन पर शुरू करते हैं, ये हो गया माँ, ये हो गया ना, मन, ठीक है। अभी ये देखिए इसका साइज जो है ना, इसे हम लोग सेम लिख रहे हैं। अभी हम लोग लिखते हैं नक, ना लाइन पे हो गया, और ये देखिए का जो है, ये का, इन बारीकियों को आपको समझना है, जो अक्षर जहाँ से शुरू हो रहे हैं, लाइन से शुरू हो रहे हैं, ऊपर शुरू हो रहे हैं, नीचे शुरू हो रहे हैं, ये इनको आपको देखना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग एक और पढ़ लेते हैं, ये है ग न, ग हम लोग लाइन पे बनाते हैं ग। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग ना को हम कहाँ ले जाएंगे, ये नीचे लाइन के ऐसे, ठीक है, गन। इसी तरह आया मक, और भी जैसे भी अक्षर बना सकते हैं आप, ये हो गया मा, ये हो गया का, ठीक है, ये हमारा एक टाइप हो गया। अभी क्या है कि जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं वाले एक साथ आए और उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आए, तो आड़ी रेखा कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाएगी, समझ में आया। जैसे अभी हम लोग ये लिख देते हैं एग्जांपल म न प, तो अभी क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं वाले एक साथ आए, उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखाएं आए, तो आड़ी रेखाएं कॉपी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। अभी क्या है म न प, ये हो गया म न प, ठीक, म न प। अभी हम लोगों को लिखना है क न प, तो क न प कैसे लिखेंगे, ये हो गया क न प, क न प, इस तरीके से ये एक हमारा टाइप हो गया। फिर हमारा एक और टाइप, इस तरीके से आप अक्षर समझ जाएंगे बनाने को प्रैक्टिस के लिए, अभी तो अब मैं तो इतना बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करते रहना अपने तरीके से मिला करके, ठीक है। अभी क्या है, कुछ अक्षर होता है उनका स्थान जो है निर्धारित होता है, परंतु दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है, ठीक। कैसे, अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, अब ये हमने लिखा प क ज, अब हमें सिंपल से लिखना है पा लिखा, का लिखा, जा लिखा, ठीक, प क ज। अब हमें क्या लिखना है, गरम, तो गरम कैसे लिखते हैं, गा को अपनी लाइन में लिखा, रा म गरम, ठीक है। अब कैसे लिखना है, क र व ट,
अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि हम लोग का यहाँ शुरू कर दो, कहीं से शुरू कर दो, अपना लाइन पे, अपना जो हम लोगों का जो मानकता है वो उसी से लिखना है। ये रेखा पे हमने का बनाया, रा बनाया, उसी में वा जोड़ा और हमने टा बना दिया, करवट, करवट। अब इसी तरह हमारा सर, अब ये सा वर्ग आ गया। देखिए हम लोग सा को कैसे लिखेंगे, सा हमारे दो तरीके से बनते हैं, एक इधर से एक इधर से। तो देखिए अभी अब हम लोग ऐसे बनाएंगे तो फिर एक नीचे वाला जाएगा या उल्टा जाएगा। तो देखिए तरीका हम लोगों को ये होता है कि जो हम लोग आसानी से बना सके और समझ में आए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया सा, इसी से तुरंत जोड़ दिया हमने र प, और ये हो गया टा, ठीक। देखिए ये हुआ जल्दी से, अभी क्या देखिएगा, दूसरा मैं बनाता हूँ दूसरे तरीके से। ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरे तरीके से देखिए। अभी हम लोग सा इस तरह से बनाया, एक देखिए ये सा र प ट, ये भी है, लेकिन अब देखिए क्या जुड़ रहा, देखो यहीं से लग रहा है कुछ जुड़ा चला आ रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा देखने में भी ठीक नहीं लग रहा और बनाने में टिपकल भी हो रहा है। तो हमारा ये जो है ना, ये पहला वाला यही इजी रहता है और जल्दी से बन जाता है। तो ये हो गया हमारा सरपट। अभी क्या है, जैसे कि ये एक लिखना हुआ कल, अब जैसे ला है, ये लिखा का, ला हमारा ऊपर बनता है ला, एक नीचे भी ला बनता है हमारा, ठीक। अभी ये क्या है कव, का लाइन पर आया, ये वा आया, ठीक। तो अभी हम लोगों ने ये वाला पढ़ लिया क व कल इस तरीके से। तो अभी क्या है, देख एक और हमारा टाइप है, जैसे वक्र वाले जो अक्षर होते हैं ना, जैसे हमारा वक्र अक्षर, जैसे न न, ठीक है। अब हमें ना और ना लिखना है, कैसे लिख रहे हैं, ये वक्र में कहे जाते हैं ना, हम लोग ने उस तरह बनाया था, याद होगा पीछे उन्होंने पढ़ा था गोला में ऐसे क्रॉस करके म न स स ऐसे करके। तो अभी क्या है ना ना, कैसे लिखेंगे ना न, ठीक। आया म म मम मम म मम, फिर आया हमारा तो अब यहाँ पे ऐसा ना करना है कि ये ऊपर इसी में ता बनाया, इसी में ता बनाया, ये नहीं करना है, ता ता, ठीक है, या ता ता, ये। अब ये क्या है र र र र, हम लोग वक्र की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमारा इस तरह वाला बना रहे हैं। एक और रहा हमारा ऐसे बनता है ना ये ऊपर वाला, तो वो भी नहीं बनाना है, ठीक है। फिर आता है हमारा सस स स, ठीक। ये हो गया हमारा टाइप। इसी तरह कुछ सरल अक्षर होते हैं इस तरह दोहराए जाते हैं, जैसे प प लिखा, देखिए तो ये लिखा प प, ठीक। ग ग ग ग, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से, जो भी होते हैं ब ब ज ज, इस तरह सब बनाना पड़ता है, ठीक। ज ज ज ज, अभी क्या है, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं, जैसे एक टाइप ये है, जैसे रा और अंगा, रा ऐसे बन गया और अंगा, ये अपने लिखावट के अनुसार ही माने जाते हैं। जैसे ये नीचे से लिखे जाते हैं ना, तो ये देखने पहचानने में किससे लगते हैं, लेकिन इनको पहचानने में इस तरह से करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे प अच्छा, प इधर लिखा, च ऐसे लिख दिया, ठीक। अभी क्या है ज ड ज, अभी क्या देखो रा भी हमारा ऐसे जाता है और अंगाड़ा भी जड़, बस कट जाता है, ठीक। एक हमारा हो गया च न, ठीक। ये हो गया हमारा टाइप। इस तरीके से कई सारे हमारे टाइप रहते हैं जो हमें ये पूरा कर रहे हैं, ठीक। तो अभी हम लोग एक और रह गया है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एक सा हमारा होता है, दायां और बायां तरीके से बनाते हैं सा,
सा को, एक ये हो गया, एक ऐसे बना दिया। ला होता है हमारा, एक ऊपर भी होता है और एक नीचे की तरफ भी होता है। इसी तरह हमारा रा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये निवास और चलते हैं। अब जैसे हमारा ल ल बनाना है, ल ल, तो अभी क्या है, ल एक ल, या हमारा लम बनाना है, ल अम्मा, ये तो बनाएंगे नहीं, ये तो देखिए कैसा लग रहा है, ये तो लल के तरीके पहचान लेंगे इसको। तो इसको ल और माँ बनाने के लिए देखिए, ये ऊपर से नीचे वाला ला और ये माँ, तो हम लोग को अपने हिसाब से जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग पहचानेंगे कि कौन कैसा कब कहाँ बनाना है। ठीक है, अभी क्या है देखिए, एक और मैं बता देता हूँ लास्ट है, ये है हमारा एक ला और रा, ल र, ठीक ये बन गया। या हम लोग एक इस तरह बनाएंगे, ला रा, ठीक ये देखिए ला रा ऐसे बना। तो ये हमारी पहचान है, जो सा दायां बन रहा है, बायां बन रहा है, ला रा ऊपर नीचे कैसे बन रहा है, ये हमारी ऐसे ये पहचान हो जाती है। ये प्रैक्टिस करने से आएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको स्पेशल बताऊंगा कैसे, और भी कुछ जो हो सकता है वो मैं क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले हम लोग चैप्टर में स्वर के बारे में पढ़ेंगे, स्वर ध्वनि कैसे हम लोग डैश डैश लगा करके यूज़ करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।